बात करते हैं अब हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक की। ट्रिक के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला है जिससे आप देखते ही आंसर बता दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो जो कि है आपकी ट्रिक पर बेस्ड, ठीक है। तो देखिए, आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए निकालने के लिए, तो आपको मेरी जो ट्रिक है उसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा याद कर लीजिए, तुरंत ही देखिए आप अभी तुरंत ही निकालना स्टार्ट कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो होगा जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम होगा। अब बॉन्ड पेयर क्या होंगी ये जान लीजिए। बॉन्ड पेयर वो होती है हमारी जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम होंगे, वो हमारे सबके सब क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, ठीक है। और फिर लोन पेयर आपको कैसे निकालनी है, लोन पेयर कितनी होंगी सेंट्रल एटम पर, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से आपको अटैच्ड एटम को माइनस कर देना है, बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको बताएंगे कि उसके ऊपर कितनी लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये अभी आपको देखने में थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन आप जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी तो आप देखते ही सारी आंसर निकाल दिया करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा ये समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया BeCl2, तो BeCl2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैंने बताया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम आपको करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम हमको करना है। तो बॉन्ड पेयर मैंने क्या कहा, यहाँ पर BeCl2 में जो सेंट्रल एटम होगा आपका BE होगा, तो BE जो है हमारा सेंट्रल एटम है, तो इससे हमें बॉन्ड पेयर इससे अटैच कितने एटम है, CeCl2, मतलब दो क्लोरीन BE से अटैच हैं, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितनी हो गई। बॉन्ड पेयर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, तो इससे दो क्लोरीन अटैच हैं, तो दो हमारी क्या हो गई, बॉन्ड पेयर हो गई। अब हमको निकालना है लोन पेयर, तो लोन पेयर निकालने के लिए आपको क्या करिए, बीई के आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बीई हमारा जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वही होंगे जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा वही आपके उसकी सेल में उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बीई हमारा सेकेंड ग्रुप का मेंबर होता है, तो इसकी जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो होंगे। तो आपको करना क्या है लोन पेयर निकालने के लिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अटैच्ड एटम, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए दो क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर है, तो टू माइनस अटैच्ड कितने एटम है इसके, दो क्लोरीन अटैच्ड है इससे, यानी कि हम कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, जितने भी बॉन्ड पेयर होंगे उनको माइनस कर दीजिए। अगर टू में से टू माइनस आप करेंगे तो आपका आएगा जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड पेयर तो दो हो गए लेकिन लोन पेयर इसके पास कितने हैं, जीरो। तो टोटल सम कितना आया हमारा, टू प्लस जीरो इक्वल टू क्या आएगा, टू। और दो अगर सम आए तो इसका मतलब क्या है, दो ऑर्बिटल जुड़ी हुई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि अगर दो ऑर्बिटल जुड़कर आपकी हाइब्रिडाइजेशन बना रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रही, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके क्या होगा, दो पे एस और पी, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हो गई आपका निकल के आ गया। अगर मान लीजिए, ये तो इतनी देर मुझे इस वजह से लगी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको नहीं समझाता, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं NH3, तो मैं अगर इसको देखते ही निकालता तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि अगर आपने वीडियो मेरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली देखी है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम हमारा वो होगा जो हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन को छोड़कर, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इस वजह से हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए तीन बॉन्ड पेयर हैं, सेंट्रल एटम ये है, इससे तीन हाइड्रोजन अटैच है, तो तीन बॉन्ड पेयर हो गए। प्लस लोन पेयर कैसे निकालने हैं, इसके जो है हमारा नाइट्रोजन क्या है, फिफ्थ मेंबर का ग्रुप है, तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फाइव। मतलब जो जिस ग्रुप का मेंबर होगा उसके बैलेंस सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक प्रकार की ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। तो आप ये फिफ्थ मेंबर का ग्रुप का मेंबर है तो इसके बैलेंस सेल में कितने होंगे, फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे, और फाइव माइनस क्या करनी है हमको, लोन पेयर निकालने के जितने भी अटैच्ड एटम है उनको माइनस कर देना है, मतलब 5-3 अगर हम करेंगे तो बचा 2, दो इलेक्ट्रॉन बचे, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर। 5-3 किया, दो इलेक्ट्रॉन बचे, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। यहाँ लिख लेंगे बॉन्ड पेयर इतने तीन है, एक लोन पेयर है, टोटल सम हमारा आ गया 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, तीन पी की और एक एस की मिलकर चार ऑर्बिटल होंगी, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। साथ ही अगर लोन पेयर भी पूछा जाए तो आप निकाल ही ले रहे हैं कि लोन पेयर भी एक है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर इसके पास होंगी, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। अब देखते हैं CH4 को थोड़ा सा, CH4 में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बॉन्ड पेयर कितनी है इसके पास, 4, क्योंकि चार हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं इसके पास। लोन पेयर निकालने के लिए आपको वही करना है, ये फोर्थ ग्रुप का मेंबर है तो 4 माइनस अटैच आइटम मतलब 4, 4-4 = 0, यानी कि
चार बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर हो गया इसका सम फोर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हुआ। तो ये हो गया sp3। अब आइए देख लेते हैं CO2 में जाने से पहले कुछ एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सेंट्रल एटम से आपका कहीं भी ऑक्सीजन या सल्फर या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या याद रखनी है कि अगर सेंट्रल एटम से आपका ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसके लिए आपको 2 माइनस करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से। सल्फर अगर जुड़ा है तब भी 2 माइनस करना है क्योंकि ये दो दो बॉन्ड बनाते हैं। वहीं अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसके लिए 3 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ दिमाग में लेके चलिएगा, आपके सारे सवाल हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इतने एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करा दूंगा कि आपको इससे बाहर होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब CO2 का देख लेते हैं। CO2 हमारा कार्बन हो गया यहाँ पर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर हैं, ये देखिए दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं यानी कि दो बॉन्ड पेयर हो गए इससे। अब लोन पेयर हमको पता करना है तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कार्बन के, और एक ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस करना है तो दो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हैं तो माइनस हम क्या करेंगे 4। मैंने कहा ना अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है सेंट्रल एटम से तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस करना है आपको, 2 माइनस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 हम करेंगे तो हमारा आएगा 0, यानी कि अगर आप देखेंगे 0 लोन पेयर इसके पास हो गई, दो बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, आपका जो सम हुआ वो 2 हुआ, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा sp। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होंगे आपके, जो आपके जो जिस ग्रुप का मेंबर होगा वही आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये तो आपको पता होगा कि कार्बन किस ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और हम एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं, थोड़ा इसको मैं रब कर दूँ, एक या बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैं आपको कराऊंगा। ये मैं आपको जो अभी करा रहा हूँ ना, ये सब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये न्यूट्रल एटम के मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिन पर कोई चार्ज नहीं है। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कोई आपको चार्ज दे दे तब आप क्या करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए H2O और H2O और H2S, इनका हम देख लेते हैं। ठीक है ना, H2O आपको पता है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो दो बॉन्ड पेयर हो गए, पहले दो बॉन्ड पेयर लिख देते हैं, दो बॉन्ड पेयर हो गए। प्लस लोन पेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस कर दिए अटैच्ड एटम को, यानी दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड हैं तो 6 इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 4। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, दो लोन पेयर, चार इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो दो लोन पेयर हुई, तो दो लोन पेयर इसके पास हुई, 2 बॉन्ड पेयर हो गई प्लस 2 लोन पेयर इसके पास हो गई, टोटल सम हो गया 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वाटर पर जानते हैं आप, ऑक्सीजन पर, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होती हैं, तो सीधा सीधा आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अब H2S की बात करते हैं, H2S में भी देखिए दो बॉन्ड पेयर हो गई, सल्फर से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो दो बॉन्ड पेयर हो गई। प्लस लोन पेयर की अगर बात करें तो सल्फर भी क्या है, ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है, तो इसके भी बैलेंस शेल में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब दो लोन पेयर, यानी कि दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, सम आपका हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा sp3। बस कुछ नहीं करना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम निकालना है, देखते ही सारे आंसर आप दे देंगे। ठीक है, लोन पेयर भी आपका पता चल जाएगी, बॉन्ड पेयर भी पता चल जाएगी। अभी ये मैं और थोड़ा एक्सटेंड करके आपको बताऊंगा किस तरीके से बताऊंगा, जब आप थोड़ा सा आगे और एक दो वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको शेप बता दूं, बॉन्ड एंगल बता दूं, उसके बाद आप देखेंगे सारी चीजें आपकी होती हुई चली जाएंगी। हाइब्रिडाइजेशन से भी देखकर आप ये पता कर लेंगे कि आपकी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, सारी चीजें आपकी इसी ट्रिक से हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम निकालना है। लोन पेयर को आप कैसे निकालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अटैच्ड एटम, जितने भी एटम अटैच्ड होंगे उनको माइनस कर देंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, या फिर हम कहें आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये तो H2S, H2O, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये अभी मैंने न्यूट्रल एटम के बारे में बताया। मान लीजिए अगर आपको न्यूट्रल एटम ना देकर कोई आयन दे दे तब आप किस तरीके से करेंगे। जैसे आयन में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं लेकर आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आप देखेंगे उठाकर, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ सभी के सभी आए हुए हैं। तो आयन में लेते हैं NH4+, NH4 पॉजिटिव, इसका बताना है आपको H3O पॉजिटिव, इसका बताना है। एक दो एनायन ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया SO4 माइनस 2, इसका बताना है PO4 माइनस 3, इसका आप
बताना है, ये दे दिया अगर आपको तो बता रहा है कि इसका बताइए क्या हुआ। देखते ही अब आप ऐसा करिए, लिखिए मत इसको, बस देखिए, सोचिए, अपने दिमाग में सोचना है आपको, पेन या पेंसिल का यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ लिख के दिखाऊंगा, लेकिन आपको अपने दिमाग में सोचते सोचते इन सबकी कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए आप चुटकी में कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमको करना है। कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं हमारे, चार हाइड्रोजन इसके पास अटैच्ड हैं, ठीक है। लोन पेयर की अगर बात करें तो चार हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो चार बॉन्ड पेयर हो गई। ये आपको देखते ही सोचना है, जो भी आपको दिया जाए उसको देखते ही आपको सोचना है, अच्छा एन एच फोर है यानी चार हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इसका मतलब चार बॉन्ड पेयर हो गई। अब हमको लोन पेयर निकालनी है, तो लोन पेयर के लिए क्या करें भाई, नाइट्रोजन क्या है हमारा, फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब पाँच इलेक्ट्रॉन उसकी उसमें होंगे, ठीक है। और हमको क्या करना है, बैलेंस सेल में से लोन पेयर निकालने के लिए अटैच्ड आइटम को माइनस करिए, अटैच्ड आइटम को माइनस करिए, यहाँ पर बैलेंस सेल आपके क्या हो गई, फाइव माइनस, और जो चार हैं इसको आपको माइनस नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर यही ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस सेल में अब इसके चार इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपको चार्ज देखना है। वही तो मैं बता रहा था कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे। अगर न्यूट्रल एटम है तो बैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एक पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को उसने किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव है इसने मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया है। तो आपके बैलेंस सेल में भी आप क्या करिए, एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी कि अब बैलेंस सेल में इसके पास कितने बचे होंगे, चार इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे होंगे, ठीक है। और अटैच्ड एटम को फिर माइनस कर दीजिए, बस आपको यही देखना है कि ऊपर चार्ज कितना है। अगर प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसी को, उसने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हमें भी एक एटम उसने दे दिया, इसका मतलब हमें भी बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता, माइनस चार्ज होता, तो क्या इसका मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉनों को ले लिया है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों की बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो आप जितने बैलेंस सेल में पहले इलेक्ट्रॉन थे और जितने उसने लिए उनको जोड़कर आप घटाएंगे, ठीक है। तो वही करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया, इसका मतलब पाँच थे इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब बचे चार एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो हम करेंगे फोर माइनस अटैच्ड एटम, यानी कि चार हाइड्रोजन इसके पास अटैच्ड हैं, तो फोर माइनस फोर करेंगे तो आएगा जीरो, यानी कि चार बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इसकी आ रही हैं क्या, जीरो। तो आपका सम हो जाएगा फोर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो आपका होगा sp3 होगा, बस आ गया आंसर। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जो जितनी भी हो रही है ये लिखनी नहीं है, शुरुआत में आपको लिखना है, शुरुआत में आपको जितने मैं एग्जांपल यहाँ पर करा रहा हूँ इतने भी अगर आप कर लेंगे तो शुरुआत में दो से तीन चार बार आपको बस लिखना है, उसके बाद केवल आपको दिमाग में सोचना है, देखना आपके सारे क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं H3O की, H3O में क्या करेंगे आप, वही काम करेंगे, बॉन्ड पेयर कितनी है, तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है तो तीन बॉन्ड पेयर हो गई। अगर इसके लोन पेयर निकालें तो सिक्स माइनस क्या करना है, थ्री करना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो इसकी बैलेंस सेल में छः इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अगर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसका मतलब इसकी बैलेंस सेल में अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो अब इसकी बैलेंस सेल में पाँच इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब फाइव माइनस थ्री हमको करना पड़ेगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन बचे। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर, एक तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, सम आपका आएगा फोर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3 आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। SO4 का देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, बड़ा करके इधर इधर दिखा देता हूँ। SO4 माइनस टू का आपको देखना है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सल्फर एटम में क्या हुआ। तो देखिए चार ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बॉन्ड पेयर तो आपकी होगी फोर, ठीक है। फिर आपको निकालना है इसके क्या लोन पेयर, तो एक ऑक्सीजन के लिए आप कितना घटाएंगे, दो घटाते हैं, यहाँ पर चार ऑक्सीजन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन माइनस टू है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए हैं, तो अब इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक ऑक्सीजन के लिए दो घटाते हैं, यानी कि चार ऑक्सीजन के लिए हम कितना माइनस करेंगे, एट माइनस करेंगे, तो एट माइनस एट इक्वल टू आएगा जीरो, यानी कि लोन पेयर इसके पास कितनी है, जीरो है, तो आपका जो सम आएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का आएगा फोर, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3, ये आ गया आपका आंसर। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी आप अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक और हमारे एग्जाम्पल, PO4 माइनस माइनस थ्री, इसका आपको बताना है कि क्या हुआ। तो आप देखिए बॉन्ड पेयर तो आपकी जितने आइटम अटैच हैं उतनी हो जाएंगी, यानी फोर बॉन्ड पेयर इसके पास हो गई। अब आप देखिए फॉस्फोरस आपका फिफ्थ ए ग्रुप का यानी नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है,
तो इसके बैलेंस शेल में कितने होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस शेल में, लेकिन इसने तीन इलेक्ट्रॉन पहले से ले लिए हैं, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, एट इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको लोन पेयर कैसे निकालनी है, एट माइनस करना है, एट माइनस जितने आपके ऑक्सीजन है उतने के एक ऑक्सीजन के लिए दो घटाना है, तो यानी चार ऑक्सीजन है तो टू इंटू फोर क्या हो गया, एट हो गया, तो एट माइनस एट आपका आएगा जीरो, यानी जीरो लोन पेयर इसके पास है, तो आपके फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर सम आएगा आपका फोर, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा sp3, बात हो गई खत्म। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करना है। मैं कुछ चीज़ें जितने भी आपके क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसी ट्रिक से आपके करा कर दिखाऊंगा। एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेरी बेस्ट ट्रिक यही है, क्योंकि ये मुझे देखते ही आंसर बता देती है, मुझे इससे सॉरी लोन पेयर भी मुझे इससे पता चल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन है जो देखते ही इससे हो जाते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका फंस रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सवाल जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा और आपको इसी ट्रिक से आपको करा कर दिखाऊँगा। जो वीडियो है हमारी, इसका टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में ट्रिक देने जा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, चाहे वो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यूट्यूब वीडियो बिना समय कुछ गवाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटमों के बीच में कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ये चीज़ हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलती है। मान लीजिए अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है वन, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दो एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि आपको पता ही होगा H2, इसका जो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप H2 देखेंगे। H2 में क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं और दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो H2 का जो बॉन्ड आता है वो आता है वन, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम, ठीक है। और अगर वहीं इसी तरीके से अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है, तो इसका मतलब होता है कि डबल बॉन्ड उन दो एटमों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपको पता होगा O2, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका आता है 3, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल आपको पता होगा N2, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तीन बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला और बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 0, तो इसका मतलब ये है कि नो बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोई भी बॉन्ड वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। और जब कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि HE2 मॉलिक्यूल है कोई भी, तो HE2 मॉलिक्यूल, क्या आपको पता है कि HE2 मॉलिक्यूल कभी बन सकता है क्या? HE जो है हीलियम क्या होता है, एक सिंगल अपने आप में ही एक वो स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल एटम होता है, उसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है, तो वो क्यों बॉन्डिंग करके आगे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा, तो इस वजह से HE2 कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है हीलियम और ये कभी भी बॉन्डिंग नहीं करती, ना तो वो अपने साथ ना किसी और के साथ, ठीक है, तो इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0 आता है, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। वहीं अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब ये होगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो कर रहा है, अगर फ्रैक्शन में आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ H2+ का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब कुछ इस तरीके का आएगा जो फ्रैक्शन वाला हो, पॉइंट में आएगा, किस तरीके से भी आ सकता है, तो आपका ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है, HE2+ एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी। अब सीधी सीधी मैं बात करता हूँ आपसे कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको किस मेरी ट्रिक के द्वारा उनको किस तरीके से देखते ही आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हमारी ट्रिक को कि ट्रिक हमारी क्या है। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका हर जगह आया हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है, आपका IIT में भी आया हुआ है, आपका नीट में भी आया हुआ है, और आपका एम्स में भी आया हुआ है। किसी में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, किसी में आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ये है क्वेश्चन वो जो आपका हर एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में मेरी जो ट्रिक है वो है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, तुरंत ही आपको याद हो जाएगी, वो ये है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर आपको कोई भी दिया है, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सम है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आपके आते हैं 14,
तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर बस आपको याद रखना है, बाकी आप तुरंत ही सबका बता देंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक सम 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक सम आपका आता है 14 तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा आपका वो होगा 3, ठीक है। अगर आपका 14 से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मान लीजिए 13 हो जाए, या फिर 14 से एक भी इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 14 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 15 कर दिया, ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 में से आप 0.5 को कम कर दीजिए। मान लीजिए इधर 13 कर दिया या फिर आपका 15 कर दिया, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 कम होकर 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 2.5। और अगर कम कर दें, मान लीजिए इधर 14 में 13 के बाद आपका 12 कर दिया या फिर इधर आपका 16 कर दिया, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है और 0.5 कम हो जाएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए आपका 11 कर दिया और इधर आपका 17 कर दिया, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है फिर से 0.5 कम हो जाएगा 1.5। अगर इधर आपका ये 10 कर दे और इधर आपका ये कर दे 18, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका हो जाएगा 1। मतलब ये कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आप घटा या बढ़ा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के घटने या बढ़ने पर 0.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जा रहा है। आपका 14 का जो होता है वो 3 होता है, 13 15 का 2.5, इधर 12 16 का आपका 2, और 11 17 पे आपका 1.5, और 10 या फिर 18 अगर है तो आपका 1। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, 3 का याद कर लीजिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन घटाने या फिर बढ़ाने पर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 कम होता जा रहा है। बस ये ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो अब आइए ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसी ट्रिक के थ्रू। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक सम देखना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक ऑक्सीजन के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ऑक्सीजन एटम हैं, तो यहाँ पर 8+8 अगर आप निकालेंगे तो 16 होगा, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। अगर आप देखेंगे 14 में 2 बढ़ा दिए, 14 में हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ाने पर या एक इलेक्ट्रॉन के घटाने पर 0.5 का कमी आती है, 0.5 की कमी आ रही है। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3 में से एक बॉन्ड ऑर्डर को कम कर दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वरना आप एक दो बार इसको देखेंगे, याद करेंगे तो आपके दिमाग में पूरी ट्रिक बैठ जाएगी, आप देखते ही हर मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे, ठीक है। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारा 2 हो गया, यहाँ पर मैं लिख के रब करके यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा 2, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। और इसी तरीके से आप जब इसका देखेंगे O2 प्लस मतलब दो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉनिक सम होगा वो 16 होगा, प्लस एक लगा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो हमारा क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक सम इसका 15 हुआ। 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, और यहाँ पर 8 16 में 2 इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, यानी कि इसके पास अब 14 इलेक्ट्रॉन रह गए, 14 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर 3, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 16 थे 17 हो गए, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5, यहाँ पर 18 हो गए, यानी कि 1। अब आप नहीं बता सकते इनका इंक्रीजिंग पूछा जाए या डिक्रीजिंग पूछा जाए, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक सम पता करना है कि इलेक्ट्रॉनिक सम कितना होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सम आपका 14 है तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन घटाने या इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर 0.5 की कमी होती चली जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया यानी 13 कर दिया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया यानी 15 कर दिया, तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटकर 3 था, 14 का 3 था, तो 0.5 घटकर 2.5 रह जाएगा। इसी तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थी बहुत ही अच्छी ट्रिक, आपकी देखते ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल देता है, तब आपकी ये ट्रिक लगेगी। ये जो ट्रिक है मेरी है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जितने भी आपको मैंने यहाँ पर ये दिए हुए एग्जांपल, सभी के सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो अगर आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देता है तब तो आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगी। फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तब तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई लार्ज मॉलिक्यूल आपको दे दिया, फॉर लार्ज मॉलिक्यूल के लिए भी अब मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी ट्रिक से हो जाएंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके इसी ट्रिक से हो जाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90% की मैं गारंटी लेता हूँ, 90% क्वेश्चन आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी चीज़ आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल का भी पूछ लिया जाता है आपसे। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब मान लीजिए आपसे CO3-2 कोई इस
तरीके का पूछ लिया, CO3-2 या फिर NO3-, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर किस कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर रब करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रिक आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिखिए तो पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप एक दो बार इसको ट्राई करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं लार्ज मॉलिक्यूल के लिए, कि लार्ज मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है। लार्ज मॉलिक्यूल के लिए मान लीजिए आपको CO3 है, यहाँ पर CO2 लिख दिया मैंने, CO3 का देख लेते हैं, CO3-2 का देख लेते हैं हम कि क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपको याद रखना है, आपको देखना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, मतलब उसके टोटल बॉन्ड देखने हैं आपको कि टोटल बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। दूसरा, आपको डिवाइड कर देना है टोटल बॉन्ड को टोटल सिग्मा बॉन्ड से, आपको देखना है टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड, जो भी निकल के आएगा आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है ना, तो किस तरीके से ये पता चलेगा टोटल बॉन्ड और टोटल सिग्मा बॉन्ड, ये आपको स्ट्रक्चर बना के इसकी देखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने वहाँ पर आपको दी है। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी आती है। ठीक है, एक एक ऑक्सीजन पर यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। तो देखिए टोटल बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 टोटल बॉन्ड है यहाँ पर 4, और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक आपका पाई बॉन्ड होगा, एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हमको टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड करनी है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। आप जब निकालेंगे तो इसका 1.33 बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, देखते ही आंसर आता है अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है तो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी लार्ज मॉलिक्यूल के लिए, और डायटोमिक मॉलिक्यूल की बहुत ही अच्छी बेहतरीन ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके तुरंत आंसर देने दूंगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है।